तो आज की ये वीडियो होने वाली है काफी ज्यादा डिफरेंट फ्रॉम अदर वीडियोस ऑन माय चैनल, बिकॉज आज की इस वीडियो में मैं आपको डीकंस्ट्रक्ट करके दिखाने वाला हूँ एक बॉलीवुड सॉन्ग। इस वीडियो से आपको पता चलेगा किस तरह से आप एक कवर सॉन्ग के लिए अपना इंस्ट्रूमेंटल बना सकते हैं या फिर जस्ट फॉर नॉलेज आप एक कैरियोके बना सकते हैं। तो कुछ ही दिन पहले विशाल मिश्रा सर का एक नया गाना रिलीज हुआ था जिसको मिक्स एंड मास्टर किया था शदाब्रीन सर ने, और आज मैं उसी गाने को डीकंस्ट्रक्ट करने वाला हूँ। मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से मैंने उसको खुद रिक्रिएट किया है अपने डॉ में। इन माई केस द डॉ इज एप्पल स्टूडियो, बट ऑफकोर्स यू कैन यूज एनी डॉ आउट देयर। तो एक बार इसको प्ले कर लेते हैं, और प्ले करने से पहले आपको बता दूँ कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं यहाँ पर आप सुनेंगे वो सब जो है VSTs से होंगे, मतलब सब मैंने प्लगइन्स यूज करके किए हैं, कोई भी ओरिजिनल रिकॉर्डेड नहीं है। तो एक बार इसको प्ले करते हैं। सो एज यू कैन सी गाने की स्टार्टिंग बहुत ज़्यादा सिंपल है। यहाँ पर एक मेलोडी चल रही है संतूर की, इसको मैंने लेयर किया है इसी के एक लोअर ऑक्टेव वर्जन के साथ। एज यू कैन सी कितनी ज़्यादा डेप्थ बढ़ चुकी है। यहाँ पर मैंने ऐड किया गिटार, और यहाँ पर ऐड हो जाते हैं प्लक्स जो कि काफ़ी सारे लोग कह रहे थे शेप ऑफ यू वाले हैं। बाय द वे ये जो चीज़ है इसको हम कहते हैं मरिम्बा, तो मरिम्बा मैंने यूज़ किया है। और यहाँ पर आते हैं मेरे फेवरेट पैड्स, इंट्रो के सेकंड रिपीटेशन में यहाँ पर आती है एक बैकग्राउंड मेलोडी जो कि मैंने खुद से एडिशन किया है। इट्स काइंड ऑफ फ्लूट बट ये सिरम में बना है जस्ट एक सॉ वेव लेकर। यहाँ पर मैंने ऐड किया एक पियानो और एक स्ट्रिंग्स चलती। लिसनर को बताने के लिए कि सॉन्ग आगे बढ़ चुका है यहां पर डाला गया है एक सब बेस की ट्रांजिशन। और यहां से हमारे विशाल मिश्रा सर गाना शुरू करते हैं। सो एज यू कैन सी यहाँ पर जो पार्ट आता है यहाँ पर मैंने ऐड करी एक किक जो कि सॉन्ग में भी ओरिजिनली डाली गई है, जो कि एक बहुत ज्यादा नॉर्मल पैटर्न प्ले कर रही है। साथ में यहाँ पर डाला गया एक शेकर, यहाँ पर मैंने डाला एक चाइम्स, इस तरह ना देखो यार इश्क का हो जाएगा, इस तरह ना देखो यार प्यार हो जाएगा, इस तरह ना देखो यार प्यार हो जाएगा। तो एज यू कैन सी सॉन्ग की पूरी वाइब चल जाती है जब यहाँ पर ऐड होता है तबला। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर एक प्री तबला लिया है विच इज नथिंग बट एन SFX, इनफैक्ट ये एक तबला भी नहीं है। और यहाँ पर मैंने ऐड किया तबला, टू सपोर्ट दिस तबला आई एडेड अ किक। यहाँ पर मैंने दो क्लैप डाली हैं, इसको लेयर किया है, एक जो क्लैप है वो काफी ज्यादा मोनो है और एक जो क्लैप है काफी ज्यादा वाइड है। यहाँ पर मैंने ऐड किया है एक स्नेयर जो कि ग्रूव देती है। यहाँ पर चल रहे हैं हमारे बेसिक शेकर्स, साथ ही साथ यहाँ पर ऐड हुआ है एक आर्प जो कि ओरिजिनल सॉन्ग में भी ऐड किया गया है बट बहुत ही ज्यादा बैकग्राउंड में है। इस तरह ना देखो यार प्यार हो जाएगा, इस तरह ना देखो यार प्यार हो। तो यहां से शुरू होता है सबसे ज्यादा हार्डेस्ट पार्ट जो कि मेरे लिए सबसे ज्यादा हार्ड था, बिकॉज यहाँ पर मेलोडी में इतनी अदर वेरिएशंस यहाँ पर ऐड करी गई हैं, और बाय यूजिंग ओनली मिडी इस तरह से चीज क्रिएट करना काफी ज्यादा हार्ड था मेरे लिए।
यहाँ से शुरू होता है हमारा वर्स 2, तो देखते हैं यहाँ पर क्या नई चीज आती है। सो एज यू कैन सी यहाँ पर किक हटा दी गई है जिससे कि हम एनर्जी प्रिजर्व कर सके फॉर द नेक्स्ट पार्ट। एंड एज यू कैन सी किक और स्ट्रिंग्स के आते ही क्या चीज बदल गई है। पहले देखो किस तरह था। तो यहाँ पर कोई भी नई चीज नहीं ऐड करी है, यहाँ पर बिल्कुल सिंपल चीज चल रही है, तो हम चलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर आ जाता है हमारा कोरस पोर्शन और ये सब हमारे वोकल का काम है, तो वोकल के लिए तो हमारे पास ऑलरेडी अकैपेला था, शॉर्टकट काफी सही था। और यहाँ से हमारा सॉन्ग जो है फेड आउट होना स्टार्ट होता है। तो फेड आउट करने के लिए मैंने यूज करी है तीन चीजें। जो पहली चीज है वो है वॉल्यूम, ऑफ कोर्स मैंने फेड आउट किया है जस्ट वॉल्यूम को। जो अगली चीज मैंने यूज करी है वो है EQ, और मैंने एक लो पास डाला है जिसका धीरे धीरे यहाँ पर लो पास जो है बढ़ता ही चला जाता है और आखिर में खत्म हो जाता है। और यहाँ पर एक स्टीरियो सेपरेशन लगा है जिसमें पूरे सॉन्ग में खेला गया है। फॉर एग्जाम्पल जब ड्रॉप आता है या फिर ये कहो कोरस पोर्शन आता है तब उसकी वाइडनेस बढ़ा दी जाती है, और जब विशाल मिश्रा गा रहे होते हैं तो उसका थोड़ा सा मोनोइश कर दिया जाता है सॉन्ग को। तो यही है अपने पूरे सॉन्ग में। बाकी अगर हम खास बात करें मास्टरिंग की, तो मास्टरिंग में एज सच मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं करी है। सबसे पहले यहाँ पर मैंने डाला है एक EQ जो कि बेसिकली वही लो पास वाला काम कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर ले आऊँ, एज यू कैन सी दिस इज द नॉर्मल EQ। यहाँ पर डाला है एक स्टीरियो एनहांसर, एंड अगेन इसकी ऑटोमेशन क्लिप क्रिएट करी गई है। और यहाँ पर डाला है एक Pro Q 3 जिसमें मैंने मिड साइड EQing करी है। उसके बाद यहाँ पर मैंने डाला है एक मैक्सिमस टू गेट दैट परफेक्ट स्टीरियो विड्थनेस, और लास्ट में मैंने डाला है एक लिमिटर AKA कंप्रेसर टू कंप्रेस इट एंड गेट द डिजायर्ड वॉल्यूम। तो यही था इस सॉन्ग के बारे में। मैं कहूँगा जो सबसे हार्डेस्ट पार्ट था इस सॉन्ग का वो थी लीड मेलोडी, एंड लिटरली जब मैं सॉन्ग को बनाने के लिए बैठा तब मेरे को सच में क्लैपिंग करनी पड़ेगी हमारे शादाब रहीम सर के लिए जिन्होंने इतना बढ़िया मिक्स और मास्टर दिया है इस सॉन्ग को। इट्स लिटरली वंडरफुल, और जो एलिमेंट्स यहाँ पर यूज हुए हैं। तो अभी हम इस पूरे सॉन्ग को सुन लेते हैं और आप भी बताइएगा आपको सॉन्ग किस तरह से लगा, और एंड में हम थोड़ी सी और बात करने वाले हैं एक छोटा सा गिफ्ट जो कि एंड तक देखेंगे इस वीडियो को। तो अब हम बात कर लेते हैं स्पेशल गिफ्ट फॉर दोस जिन्होंने वीडियो एंड तक देखी है। तो डिस्क्रिप्शन में मैं इस पूरे सॉन्ग की MP3, अकपेला और इस पूरे का कैरियोके का लिंक छोड़ने वाला हूँ। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड है वो उस लिंक पे जा सकते हैं और जाके देख सकते हैं कि बेसिकली ये सॉन्ग किस तरह से बना था। और अगर आप ये जानना चाहते हो कि मैंने ये सॉन्ग स्टार्ट टू फिनिश किस तरह से बनाया है या फिर ये कि FL Studio किस तरह से यूज किया जाए, तो लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करोगे तो आपके सामने खुल जाएगा मेरा कोर्स जहां पर आप देख सकते हो कि FL Studio किस तरह से यूज करते हैं। और अगर राइट वाली वीडियो पे क्लिक कर दोगे तो आपको पता चलेगा कि इस चैनल पे नया क्या है। और मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आई एम सोनू सिंह फ्रॉम सोनू सिंह म्यूजिक, साइन आउट।